फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब आप अच्छे से होंगे और खुश होंगे। और ये 10 हो रहा है सुबह का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं आई किचन में और ये मेरे पास फ्रोजन चने पड़े हुए थे, तो बस मैं नाश्ते में बना रही हूँ चना। और इधर मैं साथ ही साथ मैं लंच की भी तैयारी करती जा रही हूँ। इधर मैंने प्याज और लाल मिर्च काट ली है और मैं लंच में आज बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। और इधर ये चना बन के तैयार हो गया है और मैंने इसमें आलू भी ऐड किया था, तो बस अब हम सब कर लेते हैं नाश्ता। और बस उसके बाद लंच के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया और फिर उसके बाद बस ये शाम के बज रहे हैं 4:15 और मौसम जो है बहुत अच्छा हो रहा है, बादल हैं और हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो बस मैं आ गई हूँ बनाने चाय। और यहाँ अभी बर्तन भी रखा हुआ है वॉश किया हुआ, तो इसे भी सेट करना है। और ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है। तो बस मैं बना लेती हूँ चाय। और यहाँ मैं चाय के साथ ले रही हूँ ये काजू वाले बिस्किट, नमकीन बिस्किट। चाय वो बन गई है और अब हम सब बैठ के पियेंगे चाय। मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद। और ये टाइम हो रहा है शाम का और यहाँ पे सब्जियाँ सारी ख़त्म हो गई थी, तो बस वो सब आई हैं। और ये है 5 किलो आलू आया है, 5 किलो प्याज और ये लहसुन है 1 किलो, और ये अरबी है और ये हरी धनिया पत्ती है। और ये आलू और प्याज जो है वो 5-5 किलो आया है, ये महीने भर का हो जाता है, इसमें 5 किलो में पूरा आराम से 1 महीना चल जाता है और प्याज में भी। और जो बाकी की जो सब्जियां हैं वो हफ्ते में 2 बार आती हैं, तो बस मैं ये सबको खाली कर देती हूँ इनकी बास्केट में और फिर मैं सारी सब्जियां धो के रख देती हूँ। और इधर सब्जी सारी वॉश हो गई है, ये तरोई, टमाटर, अदरक, नींबू, बैंगन और ये भिंडी, और यहाँ पे है परवर और शिमला मिर्च, सब मैंने वॉश कर दिया है। और बस अब ये सारी सब्जी सब जब सूख जाएंगी तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे शाम के बज रहे हैं 7 और सब्जी वगैरह सब मैंने वॉश कर दिया था, सब मैंने धो के उसको फ्रिज में रख दिया है। और बस और यहाँ पे जो मैंने अदरक ले ली है इसे अम्मी ने छील के कट कर दिया है, तो बस अब मैं इसको पीस लूँगी और इसका पेस्ट बना के मैं फ्रोज़न कर लूँगी, अदरक और लहसुन का पेस्ट। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे अदरक है तो मैं अदरक को पीस लेती हूँ। और इससे जो है वो कुकिंग करते टाइम बहुत ही आसानी हो जाती है कि आपको मसाले पिसे मिलते हैं, तो बस ये हम कर लेंगे फ्रोज़न इसको पेस्ट बना के।